सब ये मुझे गाँव में तो देख रहे हैं ब्लॉग को देखने वाले हैं। थोड़ा यहाँ पे जाम लगा हुआ है तो देखते रहेगा वीडियो को, और यदि चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। फाइनली दोस्तों आज हम जा रहे हैं गांव में, तो अभी हम सुरती पे हैं दिल्ली कनॉट प्लेस एरिया में। तो ये हमारी बस है जो जाने वाले हैं, इसमें हम ब्लॉगिंग करेंगे। तो यहाँ से लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ से पट्टी चौथा, तो अभी हम यहाँ से सीधा रामनगर को जाएंगे। देखते हैं, देखते रहेगा ब्लॉग को और बाकी आगे। अभी सिटी में और ये हमारी बस लगभग लग चुकी है, यहाँ पे लोग अभी जाने वाले हैं। देख रहे हैं मेरे भाई और बहनों नमस्कार। अभी क्वेश्चन लगन छी हम चेपी उड़े छी। अच्छा अब वोट जुड़ लाना जमती आओ। ओ
अब तो बात कर रहे हो ना आगे बट बोल रहा हूँ जब देर तक जाना कौन से क्या अरे वो बंद कर। तो ये है सिबा ढाबा। तो फाइनली ड्राइवर भी उठ गया है। चलो चलो फाइनली दोस्तों हम पूरी रात सफ़र करने के बाद अभी पहुंचे हैं मुरादाबाद पार करके। अभी हम उत्तराखंड स्टेट के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। यहां पे उत्तराखंड स्टेट का जो बाहर की गाड़ियां हैं उनको परमिट देना होता है, जो कि दिन के हिसाब से कि गाड़ी कितने दिन उत्तराखंड में रहेगी। जो भी कमर्शियल वाहन हो, प्राइवेट वाहनों को इसका कोई चार्ज नहीं होता है। तो जैसे कि मैंने ड्राइवर साहब से भी बात की इस बारे में कि परमिट कौन सा स्टेट का कितना होता है, कैसे होता है। तो अब जो हम पहुंचेंगे यहां से सीधा काशीपुर और उसके बाद रामनगर। सुबह के लगभग 5:30 हो चुका है टाइम, तो मुरादाबाद बॉर्डर पे और उत्तराखंड बॉर्डर पे, यहां से उत्तराखंड आगे पड़ता है।
सुबह के 7:30 बज चुके हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रेलवे फाटक काशीपुर, मेन मार्केट उत्तराखंड काशीपुर का। तो इसका अगला भाग आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा, जिसमें रामनगर और उससे अगले वाले पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।